हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन बहुत ही इजी वॉल डेकोर आइडियाज जिनको बनाना बहुत ही आसान है और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने हैं। तो आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे बना सकते हैं। सो इस पहले DIY के लिए आपको चाहिए कुछ सुंदर सी मैगजीन्स, सेलोफेन शीट, फैब्रिक और एक्रिलिक कलर्स, पेंटिंग ब्रश, फेविबॉन्ड और लास्ट में आपको चाहिए A3 साइज की एक्रिलिक शीट। आप ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किसी भी लोकल स्टेशनरी शॉप से बहुत इजीली ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो मैगजीन्स हैं उसमें से आपको जो भी इमेजेस सबसे ज़्यादा सुंदर लगती हैं उनको आपको एक सीजर की हेल्प से ऐसे ही रफली टेयर कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैं इन सारी की सारी जो भी इमेजेस मुझे अच्छी लग रही हैं उनको मैंने कट कर लिया है। तो ये कुछ पेजेस हैं जिसपे मुझे बहुत ही अच्छे लगे तो इनको मैंने मैगजीन में से कट कर लिया। अब एक न्यूज़पेपर लें ताकि जो आपकी शीट है वो गंदी ना हो, उसके ऊपर आपकी आइवरी शीट रखें और आपने जो भी इमेजेस को कट किया है आपको उसमें से जो भी पसंद आता है सिंपली उसको आपको उस वाइट आइवरी शीट के ऊपर फेविबॉन्ड या फिर ग्लू स्टिक की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ प्रेस करके उसको अच्छे तरीके से पेस्ट करना है। तो इसको अब एक सीनरी जैसा लुक देने के लिए हमें बनाने हैं बॉर्डर्स जो कि हम चारों तरफ बनाएंगे। तो उस बॉर्डर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 8-8 स्ट्रिप्स कट करूँगी जो कि होगी 1 सेंटीमीटर वाइड। तो इस तरीके से मैं 8 स्ट्रिप लेफ्ट राइट के लिए लूँगी और 8 ही स्ट्रिप मैं टॉप और बॉटम के लिए लूँगी। तो ओवरऑल हमें एक पेंटिंग कम्प्लीट करने के लिए हमें चाहिए 32 स्ट्रिप्स जो कि होंगी 1 सेंटीमीटर वाइड। तो ऐसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 8 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब मैं इन 8 स्ट्रिप्स को, ये आप देख सकते हो जो कि वर्टिकली हैं, अब मैं एक फेविबॉन्ड की हेल्प से इन स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक पेस्ट कर दूंगी ताकि जब इसको हम पेस्ट करें एक बॉर्डर बनाने के लिए तो वो थोड़ा सा एलिवेटेड लुक दे। और अब इसे हमें पेंट करेंगे। इसको आप चाहे जिस भी कलर में पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर चूज किया है बॉर्डर को पेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रेम्स हैं वो सारे के सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं इसको फेविबॉन्ड की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी चारों तरफ। मैं इसको अच्छी तरीके से पेस्ट कर दूंगी। और एट लास्ट जब चारों बॉर्डर्स आपकी अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएं और आपको लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एजेस बाहर निकल रहे हैं तो आप उनको एक सीजर की हेल्प से कट कर लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं फाइनली एक सेलोफेन शीट ले रही हूँ और इस सेलोफेन शीट की हेल्प से मैंने जो भी पेंटिंग बनाया हुआ है उसको मैं अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी ताकि वो थोड़ा सा ऐसे लगने लगे जैसे कि हमने उसको फ्रेम करवाया हुआ है या फिर लेमिनेशन करा हुआ है। तो इस तरीके से इन दोनों ही पेंटिंग्स को मैंने अपने घर के एकदम बाहर जो एरिया है वहाँ पर लगाया है और ये बहुत ही सुंदर और बिल्कुल नहीं लगता जैसे कि इसे घर पर बनाया गया है। सेकेंड DIY के लिए हमें चाहिए कैनवस बोर्ड। इसका साइज है 12 इंच बाय 10 इंच और हमें चाहिए एक्रिलिक कलर्स,
क्योंकि ये पेंटिंग मैं अपने बेटे के रूम के लिए बना रही हूँ, तो जो कलर्स हैं वो थोड़े से मैंने ब्राइट ही लिए हुए हैं, जैसे कि येलो, ब्लू, ऑरेंज, ये सारे के सारे एक्रेलिक कलर्स। तो सबसे पहले आपको आपके कैनवस बोर्ड को किसी एक बेस कलर से कलर करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट ऑरेंज लिया हुआ है, तो आप लेफ्ट साइड में ये जो इमेज देख सकते हैं मैं उसी को कॉपी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सेम इसको रेप्लिकेट कर रही हूँ सेम ऑरेंज कैनवस बोर्ड के ऊपर, टू आईज, टीथ, लिप्स, ये सारी की सारी चीज़ें बना करके। और ये जो एक इमेज है वो रैंडम इमेज मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया था, तो मैं उसी को इस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही पेंटिंग्स को मैंने स्टडी के लेफ्ट साइड में हैंग कर दिया है, और ये जो ब्लैंक वॉल थी वो फिल और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस थर्ड एंड लास्ट DIY के लिए हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, ब्राउन एक्रिलिक कलर, फेविबॉन्ड एंड अ पेंट ब्रश। तो ये जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं, उन आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से मैं एक हेक्सागन बनाऊंगी, और जिसको कि हम वॉल पर एज अ डेकोर लगा सकते हैं। तो हेक्सागन होता है जिसमें कि 6 साइड्स होती हैं। तो इस तरीके से कुछ आपको उस हेक्सागन को रेडी करना है। तो इस तरीके से आपको फेविबॉन्ड लेना है और उन जो स्टिक्स के आइसक्रीम स्टिक्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते जाना है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसको एक डेप्थ देने की कोशिश करेंगे, तो हम काफ़ी एक लंबा सा और एक बड़ा सा एक हेक्सागन रेडी करेंगे। इन स्टिक्स के ऊपर हम काफ़ी सारी स्टिक्स को एक के ऊपर एक पेस्ट करते जाएंगे, ताकि जब इसे हम वॉल पर पेस्ट करें तो उस पर अगर हमें कोई चीज़ रखनी हो तो उसको एक रखने के लिए एक डेप्थ आ सके। तो यहाँ पर हमें दो हेक्सागन्स और बनाने हैं, बट इस बार उन दोनों हेक्सागन्स को हम कनेक्ट कर देंगे, और उनको कनेक्ट करने के लिए जो बीच में एक वर्टिकल लाइन आती है उसको हम रिमूव कर देंगे। और सेम जिस तरीके से अभी हमने पहले वाला जो हमारा सिंगल हेक्सागन था उसको हमने बनाया था, उसी तरीके से हम इसमें भी आइसक्रीम स्टिक्स को एक के बाद एक कनेक्ट करेंगे, और फिर एक के ऊपर एक इनको हम अच्छी तरीके से कनेक्ट करते जाएंगे ताकि उसको थोड़ी सी डेप्थ मिल पाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने दोनों ही हेक्सागन को रेडी कर लिया है, और आपको जब लगता है कि इसमें जो भी आपको एक रिक्वायर्ड थिकनेस थी वो आ गई है, यानी कि 1 or 2 इंचेस की जो थिकनेस है वो आपको लगता है कि अगर आ गई है, तो उसके बाद में आप इसको रोक दीजिए और इस पर आप जो भी चाहें वो कलर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ओरिजिनल लुक देना था, इस वजह से मैंने ब्राउन एक्रेलिक कलर चूज़ किया है।
आप चाहें तो कोई भी तरीके का कलर इस पर पेंट कर सकते हैं। तो इस लास्ट हेक्सागन वाले वॉल डेकोर को मैंने लगाया हुआ है अपने इस बालकनी में, और यहाँ पर मैंने कुछ प्लांटर्स और कुछ टॉयज रख के उसको थोड़ा सा और सुंदर बनाया है। तो ये थे 3 DIY वॉल डेकोर जो कि बहुत ही इजी है इन तीनों ही चीज़ों को बनाना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बाय बाय।